नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश गुप्ता, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपसे कुछ ऐसी बातें जो पिछले दिनों दिल्ली ने एक दर्द को झेला है, उस दर्द के बारे में जो बातें हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जब 25 मार्च को दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा और दिल्ली इस कोरोना संकट में बहुत सारे दर्द दिल्ली के लोगों ने झेले, और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जब उनको कोई ट्विटर पर बात करता था तो उसका जवाब भी नहीं आ पाता था, लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ऐसी ऐसी चित्र, ऐसे ऐसे वीडियो हम लोगों ने देखे हैं उस दौरान। उन वीडियो को देखने के बाद हमारा दिल दहल जाता था, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार कानों में रुई डालकर बिल्कुल बैठी हुई थी, लेकिन वो कोई भी काम, सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी, सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ मीडिया के सामने आकर ये कहना कि हम 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे, हम आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। और सच्चाई यह थी कि अगर कोई सरकारी अस्पताल की ओर रुख करता था तो उसको इलाज नहीं मिलता था, उसको दवाई नहीं मिलती थी, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था तो लाखों रुपए के बिल उसको मजबूरी में देने पड़ते थे, और ये जो दर्द था दिल्ली का दर्द, वो दिल्ली सरकार को सुनाई नहीं पड़ रहा था। दिल्ली के लोग परेशान थे, दिल्ली के मजदूर, दिल्ली के प्रवासी मजदूर यहाँ से भागने के लिए मजबूर हुए, और ऐसे समय में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का बयान आता है 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली के लोगों को ये आश्चर्य हुआ कि ये दिल्ली के सरकार है या दिल्ली के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब दिल्ली बदहाल थी, दिल्ली में लोग परेशान थे, लोगों के अंदर एक डर और भय का वातावरण था, ऐसे समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सकारात्मक दिल्ली के लोगों के दर्द को समझते हुए गृहमंत्री अमित शाह जी को भेजा। माननीय गृहमंत्री जी ने 14 जून को एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग के अंदर जब दिल्ली के लोगों के अंदर डर था, भय था, उसको दूर करने के लिए वो कदम उठाए, वो सकारात्मक कदम, जैसे दिल्ली के लोगों के अस्पतालों में इलाज हो, जो शवों का क्रीमेशन भी नहीं हो पा रहा था, उसको जो अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था, उसको सही तरीके से व्यवस्थित कराने का काम हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने किया। और इसके साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी रोकने का काम हो, या फिर प्राइवेट लैब के टेस्ट रेट आधे करने का काम हो, पूरी दिल्ली के लोगों को एंटीजन रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से 6 लाख टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का काम केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है। आप देखिए, एक और वो सरकार जो टेस्ट नहीं करा पा रही थी, उस समय 5,000 टेस्ट हो पा रहे थे, और जैसे ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कदम बढ़ाया और दिल्ली के लोगों का दर्द समझा, 20,000 टेस्ट प्रतिदिन होने लगे। आप देखिए, उस समय नंबर ऑफ बेड्स नहीं थे, बेड्स मिल नहीं पा रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इतनी तेजी से काम किया कि दिल्ली में एक सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल बना, 10,000 बेड की संख्या का हॉस्पिटल बना के दिया, और इतनी जल्दी किया, दिल्ली के लोगों का दर्द समझने का काम हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने किया है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जब दिल्ली की व्यवस्थाएँ ठीक हो गई हैं, जब कोरोना की क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें, तो जहाँ पहले 25 से 30 हज़ार केस उस समय एक्टिव थे, जिस समय 14 जून का दिन था, और जब आज की हम बात करें तो वही केसेस 10,000 रह गए हैं। तो ये सब जो काम किया है, काम तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, काम मोदी सरकार ने किया है, काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़रूरतमंदों को भोजन, राशन और ज़रूरत के सामान देकर उनकी सेवा करके किया है। लेकिन आज जब क्रेडिट लेने की बात आई है तो दिल्ली सरकार आ गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब आ गए हैं, और वो सामने आकर ये कहते हैं हमारा दिल्ली का मॉडल सफल हो गया है, हम दिल्ली के मॉडल को पूरे देश को अपनाना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ कि आखिर दिल्ली मॉडल है क्या।
दिल्ली मॉडल यही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए अधिक से अधिक लोग यहाँ पर काम करके व्यवस्थाओं को सही करने का काम किया है। यही जो केंद्र में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, मोदी जी ने किया है, वही दिल्ली मॉडल है जो पूरे देश में लागू हो रहा है और केंद्र सरकार कर रही है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से अपील करना चाहता हूँ कि आप ये मॉडलिंग, ये विज्ञापन करना छोड़ दीजिए और जो वास्तव में एक्चुअल जमीनी काम है वो करिए, जिससे जनता को राहत मिले और जो दिल्ली का वास्तव में जो आपका मॉडल था वो तो 14 जून से पहले सबने देखा है, कितने बदहाल थे, कितने डर में लोग थे, वो सबने देखा है। और ये क्रोनोलॉजी भी आपने देखी होगी कि किस तरह से केस बढ़ रहे थे आपके समय में, और जब गृहमंत्री अमित शाह जी आए, मोदी जी का आशीर्वाद दिल्ली के लोगों को मिला तो केसेस किस तरह से कम होने लगे, और आज दिल्ली डर और भय से दूर है।